फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। दरअसल मैं बहुत बिजी था तो इसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो आज है ईद का पहला दिन, तो आप सबको ईद मुबारक। और आज जब हमारा ज़ोरो आपको जाती होगी, जब हमारा बकरा है उसको हमने पहली ईद को ज़बह नहीं किया, उसको करेंगे दूसरी ईद को ज़बह। तो आज मतलब उसका लास्ट डे है, तो उसको ऊपर देखने चलते हैं। आज उसका आखिरी दिन है, कल तो वो ज़बह हो गया। तो मैं बत्तखों के लिए भी खाना लेकर ऊपर जा चुका हूँ, आज जा रहा हूँ। और गाय आप देख सकते हैं चावल बहुत कम है, कि गाय हमारे घर में आज बिरयानी बन रही है, तो इस वजह से जब बिरयानी बनेगी तो ही उनको देंगे। थोड़े थोड़े से चावल बचे हुए थे तो उनको दे दिए, और साथ में बत्तखों के छिलके भी हैं। बत्तखों दाना दिया, कौ कौए आ गए। एक कौए तो आम का छिलका भी नीचे फेंक दिया। तो अभी देते हैं ये ज़ोरो को, बेचारे का लास्ट डे है। ज़ोरो ज़ोरो के फेवरेट आम के छिलके। ज़ोरो ने थोड़े थोड़े से आम के छिलके बचाए। ये एक अमरूद है, कच्चा अमरूद, जो कि इससे चबाया नहीं जा रहा था। और प्याली गिराओगे क्या? और नीचे वो केले का एक छत्ता बोल सकते हैं, वो भी उससे नहीं खाया जाता तो उसने गिरा दिया। तो लास्ट हमारा आखिरी दिन, कल ज़ोरो ज़बह होने वाला है, तो आज ज़ोरो का आखिरी दिन है। ज़ोरो ज़ोरो के मुंह पे भी आम लग गया। हमने बत्तख को खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, ये फारिग हो चुके हैं अब। और ज़ोरो को भी छिलके खिला दिए, अब चल चलते हैं नीचे। आज मैंने व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया, आप टाइम देख सकते हैं 3 बजे स्टार्ट किया, मतलब 3:45 बजने वाले हैं अभी। इस टाइम मैंने स्टार्ट किया व्लॉग लेट। और ऐसा बाहर का भी शूट नहीं कर सकता कि हमारी गली में हर जगह कॉपीराइट है। पूरी गली में कॉपीराइट है, समझ रहे ना? कॉपीराइट से मतलब क्या? मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, उसका नाम है एंडर बी। तो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ब्लॉग डालूंगा, और भी बहुत सारे ब्लॉग, 24 आवर्स चैलेंज, तो वहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस डालूंगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।